जय श्री राधे कृष्णा। महाभारत के योद्धा अर्जुन और कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही होंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। कहानी बेहद रोचक है। एक दिन महर्षि गालब प्रातः काल स्नान कर भगवान सूर्य को जल अर्पण कर रहे थे, पर तभी आकाश मार्ग से जाते हुए गंधर्व चित्ररथ की टूटी हुई पीक महर्षि गालब के हाथों में आकर गिर पड़ी, जिससे महर्षि गालब को बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध में महर्षि चित्ररथ को श्राप देना चाहते थे। तभी उन्हें अपना तपोबल के नाश होने का ध्यान आ गया और वे रुक गए। क्रोधित महर्षि भगवान श्री कृष्ण के पास चले गए थे। उन्होंने सारी बात बताकर भगवान श्री कृष्ण से चित्ररथ को मृत्यु देने की विनती की थी। भगवान श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा लेने की कल सूर्यास्त तक चित्ररथ का वध कर देंगे। जब इस सारे प्रकरण के बारे में जब देवर्षि नारद को पता चला तो वो तुरंत ही चित्ररथ के पास पहुँचे और उससे कहा, तुम्हारा अंतिम समय निकट आ गया है, कल सूर्यास्त तक भगवान श्री कृष्ण तुम्हें मार देंगे। चित्ररथ इस बात से घबराया और उसने महर्षि नारद के पैर पकड़ लिए। वो बोला, मुनिवर कृपया कुछ भी कर मुझे बचाइए। नारद जी दयालु तो ठहरे ही, बोले, अच्छा यमुना तट पर चलो। वहां जाकर एक सांड को दिखाकर कहा, आज आधी रात को यहाँ एक स्त्री आएगी, उस समय तुम ऊंचे स्वर में विलाप करते रहना। वह स्त्री तुम्हें बचा लेगी, पर ध्यान रखना, जब तक वह तुम्हारे कष्ट दूर करने की प्रतिज्ञा ना ले ले, तब तक तुम अपने कष्ट का कारण भूल कर भी मत बताना। नारद जी की लीला जारी रही। एक और तो चित्रसेन को यह समझाया, दूसरा पहुंच गए अर्जुन के महल में सुभद्रा के पास। उससे बोले, सुभद्रा, आज का पर्व बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज आधी रात को यमुना में स्नान करने तथा किसी दीन की रक्षा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। आधी रात को सुभद्रा सहेलियों के साथ यमुना में स्नान करने पहुंची। वहां उन्हें रोने की आवाज सुनाई पड़ी। सुभद्रा ने सोचा, चलो अक्षय पुण्य लूट ही लूं। वह तुरंत उधर गई तो चित्रसेन रोता मिला। उन्होंने लाभ पूछा, पर चित्रसेन ने बताया नहीं। अंत में सुभद्रा ने चित्ररथ के जीवन की रक्षा करने का वचन दे दिया। अंत में चित्ररथ ने बताया कि उन्हीं के भाई भगवान कृष्ण उनका वध करने वाले हैं। सुभद्रा धन संकट में पड़ गई थी और चित्ररथ को अर्जुन के पास लेकर गई। अर्जुन ने सुभद्रा के वचन की लाश रखने के लिए चित्ररथ को बचाने की प्रतिज्ञा ली। जब भगवान कृष्ण को ये बात पता चली तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर दिया। तब यादव सेना और पांडव सेना के बीच बड़ा ही भयंकर युद्ध छिड़ गया था। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सूर्यास्त होने वाला है, तो उन्होंने चित्ररथ को मारने हेतु अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। यह देख अर्जुन ने उन्हें रोकने हेतु पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र पाशुपतास्त्र के टकराव के कारण पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति पैदा हो गई थी। तब भगवान शिव को उन दोनों का युद्ध रुकवाना पड़ा था। युद्ध रोककर भगवान शिव ने अर्जुन को आदेश दिया कि अपना अस्त्र वापस ले। तो अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा बताई तो भगवान शिव ने कहा, कृष्ण के सुदर्शन चक्र से चित्ररथ का वध होने दो, पुनः मैं उसे जीवन दान दे दूंगा। इस तरह दोनों की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। तब अर्जुन ने अस्त्र वापस ले लिया और कृष्ण के सुदर्शन चक्र से चित्ररथ का वध हो गया और भगवान शिव ने वापस से उसे जीवन दान दे दिया। इस प्रकार दोनों की प्रतिज्ञा नहीं टूटी और ना ही इस युद्ध से उनके संबंध में कोई प्रभाव पड़ा। तो ये आज की वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और यूनिराउंडर को सब्सक्राइब कीजिए।